Leading Institute for IIT JEE Medical Plus 2 Preparation or Thanks Mango Juice and Drinking Water. नमस्कार, आप देख रहे हैं विरासत और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। कांके का नाम सुनते ही बिहार झारखंड के साथ साथ पूरे उत्तर भारत के लोगों के जहन में पागलखाने का अक्स उभरता है, लेकिन शायद कम ही लोग ये जानते हैं कि ये पागलखाना मानसिक रोगों के इलाज में देश ही नहीं बल्कि दुनिया के बेहतरीन संस्थानों में से एक है। ब्रिटिश इंडिया से लेकर आजाद भारत की कामयाबी के तरानों तक इस संस्थान ने अपनी अहम भूमिका शिद्दत से निभाई है। कई लोग जिनकी हस्ती खेलती जिंदगी एक रोग ने तबाह कर दी थी, उन खुशियों को वापस आया है केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान ने। आज बात इसी की जिसने अपनी स्थापना के 100वें साल में प्रवेश कर लिया है। रांची के कांके का केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान अपने 100वें साल में प्रवेश कर गया है। 1918 में इसकी स्थापना तब हुई जब देश में अंग्रेजों की हुकूमत थी। तब से लेकर अब तक इस संस्थान ने एक मानसिक रोगियों के इलाज के क्षेत्र में गौरवशाली सफर तय किया। आज भी ये मानसिक संस्थान मानसिक रोगों के इलाज के लिए दुनिया में बेहतरीन संस्थानों में से गिना जाता है। इस संस्थान ने मानसिक चिकित्सा के क्षेत्र में कई कीर्तिमान स्थापित किए। देश का पहला मानसिक अस्पताल अपने 100वें साल में प्रवेश कर गया है। रांची के कांके स्थित केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, जिसे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री भी कहा जाता है, इसकी स्थापना 17 मई 1918 को हुई थी। ये दुनिया के बेहतरीन संस्थानों में से एक है। हमारा ये जो अस्पताल है सीआईपी रांची, तो ये 17 मई 1918 में बना था और उस समय में ये ऐसे मरीजों के लिए बना था जो कि ब्रिटिश आर्मी में जो लोग काम कर रहे हैं या उनके जो परिजन हैं उनके घर वालों के लिए बना था। आज़ादी के बाद से ये सभी भारतवासियों के लिए ओपन है और तब से ही अस्पताल चला आ रहा है। अपने फील्ड में बहुत ही एक ही माना जाने वाला अस्पताल है, बहुत ही बड़ा नाम है इसका। मानसिक अस्पताल में कई सारी सुविधाएं मरीजों के लिए उपलब्ध है और आज के टाइम में सबसे अत्याधुनिक जो भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है वही ट्रीटमेंट हमारे यहाँ पे फॉलो होता है। हमारा अस्पताल में बहुत ही एक ग्रीन कैंपस है, हरियाली है बहुत ज़्यादा, साथ में एक ही खुला हुआ कैंपस है। इसमें किसी भी वार्ड में पेशेंट को ऐसे बंद करके नहीं रखा जाता है, बांधा नहीं जाता है। मरीज फ्री होते हैं कि वो एक निर्धारित समय में जो है पूरे कैंपस में कहीं पे भी घूम फिर सकते हैं, कहीं पे भी चल सकते हैं। मानसिक अस्पताल के लिए अविभाजित बिहार के रांची का चयन यहाँ के बेहतरीन मौसम को देखते हुए किया गया। रांची अविभाजित बिहार की शीतकालीन राजधानी थी। रांची की गर्मी भी सर्दियों की शुरुआती महीनों की तरह होती थी। मौसम खुशनुमा और गर्मी होते ही बारिश रांची की खासियत थी। हिल स्टेशन वाली खूबियां देखकर ही अंग्रेजों ने रांची के पास कांके गांव को देश के सबसे बड़े पागलखाने के निर्माण के लिए पसंद किया, ताकि अच्छी आबोहवा से मानसिक रोगियों का बेहतर इलाज हो। तो 1918 में उस समय वर्ल्ड वॉर में जो सैनिक थे उन लोगों को कई तरह की मानसिक प्रताड़ना और कई बार परेशानियों से जो जूझना पड़ रहा था, उसके लिए एक जरूरत महसूस किया गया कि इस क्षेत्र में कोई एक ऐसा अस्पताल बने। इसके लिए पहले उन लोगों ने शोध किया कहाँ होना चाहिए, कैसा होना चाहिए और फिर अंततः इस जगह का चयन जो किया गया। पहले विश्व युद्ध के मनोरोगी अंग्रेज सैनिकों और एंग्लो इंडियंस के लिए कांके में मानसिक अस्पताल की स्थापना की गई थी। इस मानसिक अस्पताल के पहले मेडिकल सुपरिटेंडेंट
कर्नल ओवेन एआर बर्कले हिल थे, जबकि दूसरे सुपरिटेंडेंट जेई धनजी भाई थे, जिनकी पहल पर 1925 से इस अस्पताल में भारतीय मनोरोगियों को जगह मिलनी शुरू हुई। इस साल हम लोग 100वां साल मना रहे हैं, सेंटेनरी ईयर है हमारा, और ये अस्पताल के पीछे इतिहास जुड़ा है। ये अस्पताल खासकर जब ब्रिटिश जमाना था, अंग्रेजों का जमाना था, तो अंग्रेज पेशेंट्स के लिए ये हॉस्पिटल बना था। और इस अस्पताल में बहुत सी चीज़ें पहली बार भारत में जो एक्सपेरिमेंटेशन हुआ किसी भी दवा का, ईसीटी का, तो इस तरह का बहुत से जो कहते हैं ना फर्स्ट इन द कंट्री, जो पहला बार हो रहा है देश में मानसिक चिकित्सा को लेके, तो ये सीआईपी में हुआ है। स्थापना के वक्त कांके का इलाका गांव जैसा था, लेकिन धीरे धीरे ये इलाका विकसित होता चला गया। ये इंडिया का ईस्टर्न रीजन का सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है, मतलब कोई भी रिसर्च जो होता है, जो मिनिस्ट्री कराती है, सरकार कराती है, उसमें सीआईपी हमेशा इन्वॉल्व रहता है, शामिल रहता है। ब्रिटिश दस्तावेजों के मुताबिक देश का पहला सरकारी पागलखाना बिहार के मुंगेर में 17 अप्रैल 1795 को खोला गया। इसके बाद पटना के बांकीपुर में गंगा के किनारे 1821 में अविभाजित बिहार का दूसरा पागलखाना शुरू हुआ, लेकिन रांची के केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान की शुरुआत 1918 में हुई, लेकिन सुविधाओं और अनोखी चिकित्सा पद्धति के बदौलत इसने सभी अस्पतालों और संस्थानों को पीछे छोड़ दिया। 100 साल पूरा कर चुके इस संस्थान में पहला ऑक्यूपेशनल थेरेपी विभाग 1922 में खुला, 1943 में ईसीटी खुला, 1947 में साइको सर्जरी एंड न्यूरो सर्जरी खुला, 1948 में क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉन साइकोग्राफी विभाग खोला गया, 1948 में देश में पहली बार यहां साइको सर्जरी, 1952 में न्यूरोपैथोलॉजी की शुरुआत हुई। तो अगवा के क्षेत्र में अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले एमडी साइकेट्री का सीट कह लीजिए, इससे पहले डिप्लोमा इन साइकोलॉजिकल मेडिसिन का कोर्स होता था, ये भी यहीं से शुरुआत हुई है। जितनी भी नई पद्धतियां इलाज के लिए जो दुनिया में शुरू हुई है, हिंदुस्तान में अगर उसका सबसे पहला इस्तेमाल कहीं भी हुआ है तो वो सीआईपी रहा है। तो विरासत में हम लोगों के पास संजो कर रखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए भी यही पुरानी विरासत की चीजें हमें प्रेरित करती रहती। सीआईपी एक गौरवशाली संस्थान है जिसने अपनी स्थापना के 100 साल पूरे कर लिए हैं। इस अस्पताल ने कई मानसिक रोगियों को राहत पहुंचाई है, तो कई परिवारों की उजड़ी हुई खुशियों को फिर से। सन्नी शारद, जी मीडिया, रांची। दुनिया भर में मानसिक रोगों के इलाज के लिए जो आधुनिक तकनीक विकसित होती है, देश में उसका पहला प्रयोग रांची के केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान में ही होता है। इस संस्थान ने कई लोगों की जिंदगी को फिर से संवार दिया। यहाँ अनोखे तरीके से इलाज किया जाता है और मरीजों के मनोरंजन का पूरा ख्याल रखा जाता है, साथ ही मरीजों पर किसी तरह की बंदिश नहीं लगाई जाती। खास चिकित्सा पद्धति की वजह से यह अस्पताल देश ही नहीं दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ के मरीज नाटक करते हैं, फुटबॉल हॉकी खेलते हैं और कभी कभी गीत संगीत का कार्यक्रम भी करते हैं। रजिस्ट्रेशन में एक फाइल बनेगा,
पेशेंट लोग चुप होते हैं कि हमको बैडमिंटन खेलने का सामान दीजिए, तो बैडमिंटन खेलने के लिए सामान देता हूँ, टेबल टेनिस खेलने के लिए सामान देता हूँ। कोई इच्छुक होते हैं कि नहीं हमको कैरम बोर्ड खेलना है तो कैरम बोर्ड खेलने के लिए देता हूँ। उनसे भी इच्छुक है कि वही लोग लूडो खेलते हैं या चेस खेलते हैं तो उनको भी खेलने के लिए देता हूँ। मानसिक अस्पताल के स्टाफ मरीजों का विशेष ख्याल रखते हैं। सुनिए अस्पताल में मरीजों की दिनचर्या क्या होती है। पेशेंट लोग को प्रत्येक दिन सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे तक पीटी क्लास कराता हूँ। 4 दिन सप्ताह में मेल पेशेंट को कराता हूँ और 2 दिन फीमेल पेशेंट को कराता हूँ। उसके बाद जब मैं डिपार्टमेंट पेशेंट लाइब्रेरी जो इनेस हॉल के नाम से भी जाना जाता है और महिला विभाग में इसेस हॉल के नाम से जाना जाता है, इस संस्थान के मरीज रांची के बाजार से खरीदारी कर सकते थे, पिकनिक मनाते थे, मनोरंजन की तमाम जगहों पर जाते थे, सर्कस, जादू और थिएटर देखते थे। इसके साथ ही हिंदी, अंग्रेजी, उड़िया और बांग्ला के साथ साथ 10 से ज्यादा भाषाओं के अखबार और पत्र पत्रिकाओं को पढ़ते थे। ये सिलसिला अब भी जारी है। इनेस हॉल में प्रत्येक दिन न्यूज़पेपर 15 तरह के आते हैं। आने से सबसे पहले सभी पेपर को मैं लेजर एंट्री करता हूँ। लेजर एंट्री करके सभी पेपर्स को मैं मरीजों को पढ़ने के लिए सबसे पहला काम ये होता है कि डिपार्टमेंट में आने के बाद सभी मरीजों को पेपर पढ़ने के लिए दें, क्योंकि पेपर पढ़ने के लिए सभी मरीज इच्छुक होते हैं कि आज का न्यूज में क्या है। सबसे पहला काम मेरा डिपार्टमेंट में आने के बाद ये होता है। उनके लिए अलग अलग सुविधाएं हैं यहाँ पे उपलब्ध हैं, जैसे कि उनके लिए एक लाइब्रेरी है जहाँ पे अलग अलग तरह के वो गेम्स खेल सकते हैं, लूडो है, चेस है, उनके लिए बैडमिंटन है, किताबें हैं जो कि वो इशू करा के अपने वार्ड में भी ले जाके वहाँ पे पढ़ सकते हैं, तरह तरह के अखबार हैं, अलग अलग भाषा में अखबार हैं, हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, इस तरह की भाषाओं में भी अखबार हैं, ताकि जो विभिन्न प्रांत से मरीज आ रहे हैं उनको भी सुविधा हो, वो उसका भी आनंद उठा सके। 1925 से 1929 के बीच रांची के सभी खेल क्लबों को हरा कर यहाँ के मानसिक रोगियों ने फुटबॉल और हॉकी के सारे टूर्नामेंट जीते। हमारा एक छोटा सा थिएटर है जिसमें कि सप्ताह में एक दिन शनिवार के दिन में उनको एक पिक्चर भी दिखाई जाती है। तो ये सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे, पेशेंट जो है आराम से रहते हैं यहाँ पे। जैसा कि साधारण मान्यता है कि जो मरीज हैं मानसिक रूप से जो बीमार हैं वो बहुत ही उग्र होते हैं, किसी के कंट्रोल में नहीं आ सकते हैं, उनको जंजीर से बांध के रखना पड़ता है, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं हम देखते हैं। पेशेंट साधारण रूप से आराम से रहते हैं, कोऑपरेट करते हैं। आप उनसे बातचीत करके देखिए, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि वो उनको किसी प्रकार की ऐसी बीमारी है। आज भी मनोरंजन और खेलकूद का इस संस्थान में पूरा इंतजाम है। सीआईपी के पास 2 पुस्तकालय हैं, एक मरीजों के लिए और दूसरा रेजिडेंट डॉक्टरों और शोधकर्ताओं के लिए। इस पुस्तकालय में करीब 75,000 किताबें हैं। यहाँ मरीजों के लिए फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों तरह की किताबें हैं। रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए दुनिया भर के 554 जनरल सब्सक्राइब किए गए हैं। किसी भी देश में अगर कुछ अच्छा छपता है तो तुरंत अस्पताल में मंगवाया जाता है। मैगजीन पढ़ना चाहते हैं तो उनको मैगजीन इशू करते हैं। कुछ लोग किताब के लिए इच्छुक होते हैं कि हम कुछ वास्ट इंग्लिश का लैंग्वेज का किताब या हिंदी लैंग्वेज का किताब, या कोई लोग उर्दू के लिए पढ़ना चाहते हैं, कोई लोग बंगाली पेशेंट है वो बंगला किताब पढ़ना चाहते हैं, तो उनको मैं देता हूँ। 40 के दशक में जब देश में बहुत कम सिनेमा घर थे, तब कांके मानसिक अस्पताल के पास मार्च 1933 में ही अपना प्रोजेक्टर, प्रशिक्षित ऑपरेटर और सिनेमा हॉल था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना समृद्ध और संपन्न था कांके का मानसिक अस्पताल। ब्रिटिश भारत में कांके के इस अस्पताल में एक बड़ी लाइब्रेरी थी। हमको कल्चर प्रोग्राम के लिए इंटरेस्ट है, कुछ गाना का प्रोग्राम था। यहाँ एक म्यूजिक टीचर आती है जो कि पेशेंट लोग को गाना सिखाती है, और यहाँ पर हारमोनियम, ढोलक, और सप्ताह में एक दिन सिनेमा शो भी दिखाया जाता है।
ब्रिटिश भारत में यह अकेला शिक्षण संस्थान था जो लंदन विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड था और मनोचिकित्सा में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री भी दिया करता था। उस वक्त भारत के किसी यूनिवर्सिटी में मनोचिकित्सा में पीजी की पढ़ाई नहीं होती थी। देश को पागलों का पहला डॉक्टर यानी कि मनोचिकित्सक किसी का के अस्पताल ने दिया। उनका नाम था डॉक्टर एलपी वर्मा और वो मनोचिकित्सा में पोस्ट ग्रेजुएट और एमडी थे। स्वतंत्र भारत में मानसिक रोग संबंधी पहली केंद्रीय नीति मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 उस ड्राफ्ट पर आधारित था जिसे रांची मनोचिकित्सा संस्थान के डॉक्टर डेविस ने 1949 में तैयार किया था। इसमें सीआईपी का देन इस तरह है कि हमारा जो मेंटल हेल्थ एक्ट अभी 1987 में बना था, उससे पहले लुनाटिक एक्ट था जो कि अंग्रेजों के समय से चला आ रहा था, और 1987 के बाद अभी 2013 में फिर मेंटल हेल्थ केयर बिल आया है। ठीक है, तो ये सारा जो कानूनी पेचीदा जो चीजें हैं मानसिक रोगियों के कानूनी अधिकार के लिए जो ये एक्ट बना है, इसकी शुरुआत हमारे संस्थान से हुई थी, यहीं से बना है। 1949 में डॉक्टर एबी टेलिस ने मेंटल हेल्थ एक्ट का पहला ड्राफ्ट सीआईपी में ही तैयार किया। 1936 में दुनिया ने पहली बार इलेक्ट्रो कन्वर्जनल थेरेपी के बारे में जाना। 7 साल के बाद सीआईपी ने 1943 में इस पद्धति से इलाज करना शुरू कर दिया। ये देश का पहला संस्थान था। पिछले 20 साल में यहाँ कई तरह के बदलाव आए और कई सुविधाएं भी बढ़ी। वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता होती थी, मैं नहीं कहता हूँ पहले नहीं होती थी, लेकिन आज के लेवल में जितना हाई स्टैंडर्ड में वार्षिक खेल प्रतियोगिता हो रही है वो बहुत अच्छे तरीके से हो रही है, जिससे कि पेशेंट लोग बहुत खुश होते हैं और उनको जो मैं परितोष जो देता हूँ, प्राइज जो देता हूँ, उसको देखकर लोग मरीज उपयोग भी करते हैं और काफी उनको खुशी महसूस होती है कि हम दुनिया से कटे हुए नहीं है, दुनिया के साथ अस्पताल में रहते हुए भी दुनिया के साथ। यहाँ भर्ती रोगियों को एक दिन का सिर्फ 10 रुपए देना होता है। इसमें उनके खाने पीने, रहने और दवाई का भी इंतजाम होता है। सन्नी शारद, जी मीडिया, रांची। कांके के मानसिक चिकित्सा केंद्र के डॉक्टर्स मानते हैं कि मानसिक रोगों का इलाज पूरी तरीके से संभव है और सालों से ये गौरवशाली संस्थान इसी काम में लगा हुआ है। लेकिन पिछले कुछ सालों में देखें तो मानसिक रोगियों की तादाद में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसका दबाव संस्थान पर भी देखने को मिल रहा है। बावजूद इसके ये संस्थान मानसिक रोगियों को बेहतर इलाज मुहैया करा रही है। यहाँ रोगी के मानवाधिकार को पूरी तवज्जो मिलती है। असामान्य मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वो शाखा है जो मनुष्यों के असाधारण व्यवहारों, विचारों, ज्ञान, भावनाओं और क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कराती है, और ये ऐसी बीमारी है जो पूरी तरीके से ठीक हो सकती है। कांके के डॉक्टर भी यही मानते हैं। इस अस्पताल में मरीजों को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में बताया जाता है। सिंस ये री एडिक्शन सेंटर है तो यहाँ लोगों को आज कौन सा दिन है, क्या महीना है, ये सबको पता होता है। तो यूजुअली हम लोग यहाँ जो ओरिएंट करते हैं कि नशा लेने का क्या क्या मतलब हानि हो सकता है, क्या क्या डिसएडवांटेज है, ये सब चीज के बारे में हम लोग यहाँ बताते हैं। सीआईपी में जितने रोगी भर्ती होने आते हैं उतने ही डिस्चार्ज भी होते हैं। डॉक्टर ये भी मानते हैं कि हाल के दिनों में मानसिक रोगियों की तादाद बढ़ी है, जिसका प्रमुख कारण है तनाव। 2014 के 73,509 के मुकाबले 2015 में 77,431, जबकि 2016 में यहां इलाज कराने आने वाले मनोरोगियों की तादाद थी 84,647। यहां रोगियों के इलाज का एक बेहतरीन तरीका है ग्रुप थेरेपी। और अभी जो हो रहा है ये ग्रुप थेरेपी है। ग्रुप थेरेपी में बेसिकली ग्रुप थेरेपी का कॉन्सेप्ट होता है कि ग्रुप
हमेशा होमोजीनियस होता है, मतलब एक ही प्रॉब्लम जो पेशेंट्स का है वो एक ही साथ एक ही ग्रुप थेरेपी में होता है। तो अभी ओपियोइड ग्रुप का ग्रुप थेरेपी चल रहा है, ये लोग सबका ही कॉमन है, ये लोग सब ओपियोइड्स लेते हैं। तो इन लोगों को बेसिकली हम लोग ग्रुप थेरेपी में जो करते हैं कि हमने से हम लोग ज्यादा नहीं बोलते हैं, ये लोग आपस में ज्यादा बातचीत करते हैं। कि कॉन्सेप्ट यही है कि ये लोग अगर आपस में बातचीत करेंगे तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन अंदर से निकल आएगा, क्योंकि ये लोग एक दूसरे का हालत सबसे अच्छे से जान पाएंगे, समझ पाएंगे। रांची के मानसिक अस्पताल में रोगी की देखरेख और मानवाधिकार को पूरी तरजीह दी जाती है। यहाँ अपनाई जाने वाली मानवीय दृष्टि की वजह से ही इसे 1920 में सरकारी पागलखाने का दर्जा मिला। यहाँ मनोरोगियों को पारिवारिक और सामाजिक माहौल देने की कोशिश की जाती है। दूसरे मानसिक अस्पतालों से उलट रांची का केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान में मनोरोगियों को बांध कर नहीं रखा जाता। यहाँ कैदियों के खाने पीने का खास ख्याल रखा जाता है और पूरी तरीके से हाइजेनिक कैंटीन का इंतजाम होता है, जहाँ मरीजों को बेहतर खाना दिया जाता है। इसके साथ में हमारा एक 24 आवर्स इमरजेंसी सेंटर है, जिसमें कि मरीज दिन रात कभी भी अपनी समस्या के लेके आकर दिखा सकता है। गौरवशाली अतीत के बावजूद दुनिया का ये मशहूर मानसिक चिकित्सालय आज बदहाली का शिकार है। 210 एकड़ में फैला ये संस्थान अब मुश्किल भरे दौर से गुजर रहा है। मरीज बढ़ गए हैं और वार्ड की कमी है। पहले की तरह स्थायी कर्मचारी और सुरक्षा कर्मी नहीं है और चिकित्सकों की नियुक्ति भी सालों से नहीं हो पाई। सालाना हम लोग लगभग 18,000 के करीब मरीज ओपीडी में देख लेते हैं, जो कि 1980-90 के दशक में 4-6,000 के करीब रहा करती थी। तो दिनों दिन ये विरासत जो हमें मिला है, हमें इसको संजो करके आगे बढ़ाते रहने के लिए काफी कुछ आगे करना पड़ रहा है और हम लोग कर रहे हैं। उर्दू के मशहूर शायर मजाज, बांग्ला के मशहूर विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम और हिंदी के वरिष्ठ कवि निराला भी इलाज के लिए इस मानसिक अस्पताल में भर्ती हुए थे। इसी अस्पताल में बिहार के मशहूर गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह का भी इलाज हुआ। उर्दू के मशहूर शायर मजाज 11 मई 1952 को यहां भर्ती हुए थे, वे नवंबर तक यहां रहे। रांची का मानसिक चिकित्सा केंद्र आज भी लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर है। इसके साथ ही दास्तान सुना रही है 100 साल पुरानी विरासत की और एक गौरवशाली इतिहास की। सनी सारल, सीमी रांची। खबर झारखंड में से है, जहां पर एक बार फिर से कोयले के खदान में हादसा हुआ है। इसमें 6 लोगों की मौत की खबर है। घटना गिरिडीह के काबरीबाद माइंस